दोस्तों, मियां ने राजकुमारी के गले से 300 करोड़ रुपए का हार निकाल लिया था और उसे बड़ी चालाकी से किसी की नजर में न आते हुए एक वेटर की थाली में डाल भी दिया था, जो झूठे बर्तनों को धुलवाने के लिए जा रहा था। जहां चोरों की एक और साथी अनीता उस हार को बर्तन में से निकाल के टॉयलेट में ले जाती है और उस हार के टुकड़े टुकड़े करने लगती है। लेकिन जब राजकुमारी टॉयलेट से बाहर आती है तो उसे बिना हार के देख सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो जाते हैं और फिर जल्दी से टॉयलेट के अंदर जाते हैं, जहां उनके अलावा उन्हें कोई और नहीं दिखा। इसलिए वो जल्दी से होटल को बंद कर देते हैं और सभी लोगों को हॉल में लेकर आते हैं, जिसके बाद सबसे पहले पार्टी में काम कर रहे लोगों की तलाशी होती है और फिर उसके बाद पार्टी वाली जगह की, जहां काफी देर तक ढूंढने पर भी किसी को हार नहीं मिला और अनीता अभी भी हार के टुकड़े कर रही थी, जिसमें उसे समय लग रहा था। लेकिन एक गार्ड अब किचन को चेक कर रहा था, जिसे देखकर बाकी टीम टेंशन में आ जाती है। इसलिए वो लोग अपना प्लान भी जल्दी से शुरू कर देते हैं और पानी में से एक नकली हार को निकाल के सभी को बताने लगती है कि हार मिल गया है, जिसे देखने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी तलाशी बंद कर देती है। और अब तक अनीता ने हार को कई टुकड़ों में कर दिया था और वो सभी टुकड़े वो मियां को देती है, जो टुकड़े मियां सभी चोरों में बांट देती है, जिन टुकड़ों की अनीता ने कई सारी ज्वेलरी बनाई थी और उन्हीं को पहनकर वो सभी चोर वहां से एक एक करके निकल जाते हैं।